नया पीडीएफ अवेलेबल हो गया है AASR का, तो आंगनबाड़ी वार्षिक केंद्र स्थिति रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, तो AASR के बारे में वीडियो इस टाइम पे इसलिए बन रही है क्योंकि अब जो आपका ये मार्च और अप्रैल का महीना है इसी टाइम पे आपकी ये जो वार्षिक स्थिति की रिपोर्ट है वो बननी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर महीने ही आप लोग MPR बनाते हैं, मासिक प्रगति रिपोर्ट, तो वो आपको पर मंथ का अलग जमा करना पड़ता है, फिर आप संपर्क ऐप में भी उसे सबमिट करते हैं, फिर फॉर्म में भी आप फिलअप करते हैं। लेकिन जो मार्च और अप्रैल से नया ईयर शुरू होता है, या ऐसा माना जाता है कि ऐसे आंगनबाड़ी के सभी रिकॉर्ड मार्च या अप्रैल से नए शुरू होते हैं, तब उस टाइम की जो एंडिंग होती है, तो एंडिंग के टाइम पे आंगनबाड़ी केंद्र का जो वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है इसको फॉर्म को फिलअप किया जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इनमें ये हैं कि ये थोड़ा सा, मतलब मैं टफ़ नहीं बोलूँगा कि ये थोड़ा टफ़ होता है या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं भर पाएंगी, आप लोग हर साल भरते ही होंगे वार्षिक स्थिति रिपोर्ट को, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए कि किस कॉलम पे क्या भरना है या फिर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, आप थोड़ा बताइए, तो आप उस चीज़ को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं बाद में हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो आप बिल्कुल कमेंट करिए कि आपको कहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। ओके, तो मैं छोटा सा इसको हाईलाइट करूँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये 7 पेजेस का होता है, 7 पन्नों का होता है ASR रिपोर्ट, और साथ में आप संपर्क ऐप में जाएंगे तो संपर्क ऐप में भी आपको वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के लिए आ जाएगी। तब देखिए, सबसे पहला जो है पेज नंबर, इसमें पूरा है कि जिला आपको भरना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उसका जिला भरना है, परियोजना कौन सी लगती है, सेक्टर कौन सा लगता है, फिर वो आंगनबाड़ी केंद्र है या मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है, इस चीज़ को आपको यहाँ पर भरना है। फिर कार्यकर्ता या मिनी कार्यकर्ता का नाम, अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं आप अपना नाम लिख सकते हैं, अगर आपका कोई मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुला है तो उसमें भी आपको सेम चीज़, यहाँ पे आपको कार्यकर्ता का नाम ही लिखना है, अपना नाम लिखना है। फिर टीकाकरण दिवस हेतु निर्धारित माह सप्ताह में क्रम एवं दिवस का उल्लेख, तो देखिए सप्ताह के क्रम को लिखें तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पता होगा कि किसी एक निश्चित दिवस के दिन ही आपके यहाँ, फिर चाहे वो सोमवार से लेकर रवि शनिवार के बीच तक का कोई भी दिन हो, एक फिक्स डेट को आपके यहाँ टीकाकरण निर्धारित होता है। हो सकता है वो प्रथम मंगल हो, द्वितीय मंगल हो, या कोई गुरुवार हो, चौथा शुक्रवार हो, तो जो भी आपको निर्धारित किया गया है तो आप उसमें सिलेक्ट करेंगे कि आपके यहाँ किस दिवस को लगता है। फिर उसके बाद टीकाकरण का स्थान, जाहिर सी बात है स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र दो जगह होती हैं, हालांकि कभी कभी कैंप लगा के कर दिया जाता है, तो कैंप लगा के अगर टीकाकरण होता है तो आप उसको अन्य में सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है तो आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में ही टीकाकरण का स्थान चुना जाता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है अगर आप, तो यहाँ पे 2 नंबर आप फिलअप करेंगे, स्वास्थ्य केंद्र है तो आप 1 नंबर, और अगर कहीं कैंपेन लगा के सब चीज़ें की जा रही हैं तो अन्य में अर्थात आपको 3 नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। फिर है आंगनबाड़ी सह आरोग्य केंद्र, जाहिर सी बात है आपके जो नए आंगनबाड़ी केंद्र बन रहे हैं उसके साथ ही उसी में अटैच होता है आरोग्य केंद्र, जिसमें क्या होता है कि जो अपनी आशाएँ या एनम बहने आती टीकाकरण के दिन, तो उसी आरोग्य केंद्र में बैठ के ही बच्चों को टीका लगाया जाता है। तो अगर सह आरोग्य केंद्र आपके आंगनबाड़ी केंद्र से अटैच है तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे अर्थात 0 लिखेंगी, अगर नहीं है तो झूला घर है कि नहीं है इस पे आप हाँ ना लिखेंगी, क्रेच है कि नहीं इस चीज़ पे आपको यहाँ पे सीधा हाँ और ना भरना है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ चुका है वार्षिक परिवार सर्वेक्षण विवरण का, तो उस चीज़ पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको लिखनी है जो आपने पूरे वर्ष तक में जितना भी आपके द्वारा सर्वे किया गया जो कुल परिवारों की संख्या है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत कुल जो जनसंख्या है उसमें आपको रेशियो लिखना है, जी हाँ, कि आंगनबाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी परिवार हैं उसमें कितनी महिलाएँ हैं, कितने पुरुष हैं, कितने अन्य हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। अब उसके आगे अगर देखा जाए तो देखिए श्रेणियों के वाइस बांट दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य कुल जो पोषण आहार नहीं लेना चाहते और स्याला पूर्व शिक्षा नहीं लेना चाहते, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे कॉलम में आपको पूरा चीज़ के भरना है। ये चीज़ आपके MPR में भी, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है कि पूरे वर्ष से रिलेटेड जितने भी गर्भवती माताएँ हैं फिर वो किस कास्ट में आती है, उस कैटेगरी वाइज आपको गर्भवती महिलाओं के नंबर लिखने हैं कि संख्याएं लिखनी है कि अर्थात कितने हैं, 2, 5, 7, 8, 10, 15, 20 जो भी हों, और इसी तरह धात्री माताओं के। फिर कास्ट वाइज भी आपको लिखना है कि 0 से 6 माह के बालक या बालिका पूरे कितने हैं,
छः माह से एक वर्ष वाले कितने बालक बालिका हैं, ये चीज़ें आपके एमपीआर में आप जर्नली हर महीने भरते हैं तो आपको वार्षिक प्रगति में भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान भी यहाँ पे, जैसे कि कोई मनोरोगी होते, शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, कुछ अंधे या गूंगे, मूक बधिर या दृष्टिहीन जैसे हम चीज़ें कह सकते हैं, कोई कुछ बच्चे जो विकलांग होते हैं तो उनसे रिलेटेड चीज़, और वो बच्चे कितने वर्ष के हैं तो आपको उसी कालम में उनको भरना है, और नहीं है तो इसमें भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे एकल महिलाओं की जानकारी से मतलब विधवा महिलाओं से हैं या फिर तलाकशुदा महिलाओं से है, अगर को किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो विधवा महिलाओं के यहाँ पे आप संख्या लिखेंगे, या फिर कोई अकेले रह रहे उनके परिवार में उनके अलावा और कोई नहीं है, डिवोर्स हो चुके हैं या किसी कुरूतियों के कारण महिलाएँ अलग हो चुकी हैं अपने फैमिली से, तो उन्हें एकल महिलाएँ कहा जाता है, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि आंगनबाड़ी केंद्र के मूलभूत सुविधाओं, देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं बताने ज़रूरी समझता, क्योंकि एमपीआर में ये चीज़ें आपने बहुत पहले भी आप भर सक चुके हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र किस में स्थित है, सरकारी भवन है नहीं है, किराए से है, और अगर सरकारी भवन है तो वो कहाँ से आता है, नगर निगम के अंडर है कि पंचायत के है, शहरी में आता है, ग्रामीण में आता है या किसी विद्यालय में आता है, तो ऐसी चीज़ें आपको भरनी है। आंगनबाड़ी का ढांचा कैसा है, कच्चा है पक्का है, तो वो चीज़ें हैं। अगर जर्जर भवन है तो खिड़की दरवाजे टूटे नहीं टूटे, ऐसी सभी रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है। क्या हितग्राहियों के लिए हाथ धोने की सुविधा है, ऐसी जितनी भी चीज़ें वो आपको भरनी है यहाँ पे।